गए बीत प्रात मैंने ऐसी ऐसी कथा सुनाई। आज समय जान को भैया सही न जाए जुदाई। छोटी बनवाई है और ये अंतिम विदाई के तौर पर इस सोने की मुद्रगा ये पहना रहे हैं भैया कोमल भैया की धर्म पत्नी की तरफ से। इस सोने की मुद्रगा जो पहनाई है अंतिम विदाई के तौर पर हमारे सम्मान कर रही हैं। पांच वस्त्रों से सम्मान किया है, 501 मुद्राओं से सम्मान किया, सोने की मुद्रा पहनाई है। कामना करेंगे या हमारे साथियों से अगर कोई भूल बन गई हो। 7 दिन के बीच में यज्ञ किया है, कथा बोली है बड़ी भ्राता रूपेश माधव ने। ये फिरोजाबाद जिला के रहने वाले हैं, नंगला केवल का पड़ता है। 7 दिन तक चिमटा पर संगति करी है गुड्डू भैया, ये भी केवल नगरा के रहने वाले हैं। धीरेन्द्र भैया ये इटावा के रहने वाले हैं और पास में बैठे हैं संजू हमारे मित्र हैं, कैमरा चलाते हैं। और पास में बैठे हैं प्रदीप भाई, ये रठीरा के रहने वाले हैं। ढोलक पर संगति कर रहे हैं दुर्वेश सैलानी, ये एकाद के पास कदनपुर पड़ता है, वहां के रहने वाले हैं। पास में बैठे हैं बड़े भैया मनोज भाई, भाई भी लगते हैं, मामा भी लगते हैं, मित्र भी लगते हैं।
और ये अंतिम विदाई के तौर पर हमारा सम्मान हो रहा है। अरुण यादव भाई शैफी के रहने वाले हैं, बहुत प्रहार बना रहे हैं, 501 मुद्राओं से हमारा सम्मान कर रहे हैं, सभी साथियों का भी सम्मान कर रही है। हमसे अगर हमारे साथियों से कोई भूल बन गई हो, कैमरा पर साथ निभा रहे हैं सनिल, ये बिरोर के रहने वाले हैं, बड़े भैया अवनीश यादव ये करेल के रहने वाले हैं, और साथ में आरएस स्टूडियो जो रमेश भैया ये किसनी के रहने वाले हैं नंगला, पास में खड़े हैं भैया उपेंद्र भैया ये सैफई के रहने वाले हैं, साथ में रहते हैं, इन बड़ों भाइयों का साथ है, मैं अपनों की जरूरत नहीं पड़ती है, हम घर से अकेले रहते हैं इन भाइयों के साथ में। हमसे अगर हमारे साथियों से अगर कोई भूल बन गई हो, मुझे नादान बालक समझ करके क्षमा करें, न मैं ज्ञानी हूँ न ध्यानी हूँ, न मैं ज्ञानी हूँ न ध्यानी हूँ, केवल परमपिता परमात्मा के चरणों का पुजारी हूँ, मेरा परिचय इन्हीं शब्दों में है। सनोज माधव नाम मेरो, सनोज माधव नाम मेरो, जाए